ऑल राइट गाइस, तो वेलकम बैक टू अ न्यू गेम प्ले वीडियो ऑफ रोप हीरो। तो गाइस, आज के वीडियो में आज हम करने वाले विलन से फाइट, क्योंकि उसने हमारे टिप्सर दादा के घर पे किया था कब्जा और उसे मौज किया था, मारा और पीटा और बहुत ही उसका पूरा लाल कर दिया था मुखरा। चलो उसे हम आपको मिलाने वाले हैं। चलो जल्दी से हम ऊपर जाके आप टिप्सन दादा को ढूंढेंगे और फिर अब हम आपको वहीं पे मिलेंगे। बाय द वे गाइस, आपको वीडियो कैसी लगती है आप कमेंट बॉक्स में भी कह देना, और आपने पिछले वीडियो पे बहुत अच्छा रिस्पांस दिया था #1 पे, मतलब पहली वीडियो पे आपने पूरा का पूरा 400 व्यूज ला दिया था। और बाय द वे गाइस, टिप्सन दादा हमारे पास ही है और उसे चलते करते हैं और बातें और कहते विलन है कहाँ पे। तो चलो चलते जल्दी से, और सूट कैसा लग रहा है ये भी कह देना। चलो इनसे बातें करते हैं कि विलन है कहाँ पे। ऑलराइट गाइस, तो टिप्स ने तो मेरे को बता दिया है विलन है कहाँ पे। तो वो कह रहे थे कि वो विलन ऐसे कहीं ना कहीं घूमता ही रहता है, तुम्हें कहीं ना कहीं तो वो मिल ही जाएगा, किसी को ना किसी को वो परेशान करता ही रहता है। तो चलो गाइस, उसे हम ढूंढने में अपनी पूरी जान लगा देंगे, क्योंकि उसने टिप्सन दादा को परेशान किया है। टिप्सन दादा हमारे भाई है और वो हमारे जिगरी यार है। तो मैं ना लास्ट टाइम उसे यही पे आसपास देखा था, अभी तो मेरे को वो दिख नहीं रहा। चलो उसे ढूंढते अच्छे से। तो गाइस चलो, यहाँ पे तो वो है नहीं, चलो वो दूसरे इलाके में होगा। अभी हम इसे उड़ने वाले से बहुत स्पीड में जा सकते हैं, हमें कोई कार की भी टेंशन नहीं है ना कुछ की, कोई हमें ढूंढना पड़े। जल्दी से चलते हैं, यहाँ पे कोई दिख तो नहीं रहा नहीं है। चलो जल्दी से, यहाँ पे पुलिस की कार जा रही है, आस पास में भी नहीं है, वो कहीं ना कहीं छुप के बैठा हूँ। मैं बार बार एक ही जगह पे आ रहा हूँ गाइस। गाइस मैं सोच रहा हूँ क्यों ना कि मैं ऊपर से देखूँ, क्योंकि ऊपर से साइड से भी एक बार देख ही लेता हूँ कि इस गली में वो मिली में तो नहीं है, ऊपर से देखूँ क्योंकि ऊपर से कुछ सही। अबे यार मैं तो गिर ही गया, पोपट हो गया मेरा यहाँ पे। तो गाइस गाइस, तो मैं सोच रहा हूँ ऊपर से कहीं देख लूँ, कहीं पे वो मिल जाए मेरे को, वो आसानी से मिल जाए। बाय द वे मेरे को वो लग रहा है हाँ वहाँ पे होगा कहीं पे, देखता हूँ, क्योंकि वो सर को परेशान ही करता रहता है और ये इतना पागल इंसान है। और ये मिलिट्री बेस के आसपास तो नहीं है क्या? वो मिलिट्री का तो वो दोस्त है, क्योंकि मिलिट्री वाले हमारे दुश्मन हो चुके हैं और इसलिए वो भी हमारा दुश्मन है। तो क्या वो इसका तो दोस्त ही हुआ? तो वो मिलिट्री बेस के भी आसपास तो मेरे को दिख नहीं रहा, तो इस घरों के पीछे पीछे कहीं छुप गया है। उसे लग रहा है कि मैं उसे ढूंढ नहीं पाऊंगा। तो गाइस वो गलत फैमिली में है, ये क्या अभी जंप पे जाके इसको ऊपर जाते हैं? ऐसे में जा ही सकता था, फिर जंप मारने का मजा है क्या होता? मैं आपको ऐसे करके दिखाने वाला था कि मैं गिर भी नहीं सकता। तो बाय द वे गाइस, यहाँ से जाते साइड में देखते हैं, यहाँ पे तो नहीं है शूटिंग इलाके में, क्योंकि यहाँ पे स्टूडेंट्स रहते हैं। ये देखो स्कूल है और यहाँ पे आसपास स्टूडेंट रहते हैं, यहाँ पे छत पे बैठ रखा रखा है। भाई चलो ढूंढते हैं कि यहाँ पे कहीं आसपास, यहाँ पे तो हो सकता है वो, क्या वहाँ पर तो नहीं है? चलो वहाँ पर भी देख लेते हैं कि वहाँ पे तो नहीं है, क्योंकि वहाँ पे भी बहुत सारे विलन्स रहते हैं। वो वहाँ पे वो, क्योंकि वो भी तो एक विलन ही है, वो बहुत खतरनाक विलन है गाइस, वो हमें 1 से 2 मिनट में ही मार देगा, और उसकी बहुत बड़ी गैंग है। हाँ गाइस, बहुत बड़ी गैंग है उसकी, और वो बहुत बड़ा विलन है, क्योंकि वो जेल से भाग गया था और उसका नाम भी बहुत खतरनाक है गाइस, मैं क्या कहूँ आपको। चलो जल्दी से अभी हम चलते हैं, देखते हैं कोई अच्छी सी चीज़ हम ले सके, क्योंकि हमारी हेल्थ तो ख़त्म हो चुकी है। चलो ये ले लेता हूँ स्पीडर वाला, जिससे मैं बहुत स्पीड जा सकता हूँ, क्योंकि इस बार मैं उसी की वजह से गिरा हूँ, क्योंकि मेरी वो कम हो चुकी थी और मैं एकदम गिर चुका था। चलो इसकी वजह से यहाँ से जाते हैं और उड़ते हैं। तो गाइस विलन को मैं ढूंढ ही रहा हूँ और ये यहाँ समुद्र के पास भी नहीं है, मेरे को दिख रहा है विलन है तो है कहाँ, मेरे को समझ में तो कुछ आ नहीं रहा है। अब तो मेरा दिमाग ख़राब हो गया है गाइस, अगर वो विलन मेरे को मिला तो उसको मैं छोड़ने वाला नहीं हूँ। अब मैं तो साइड वाइड से देख देख के वहाँ पे जाता हूँ, तो यहाँ पे तो है नहीं विलन मेरे को, और जल्दी से स्पीड वाले से ले लेता हूँ, जिससे मैं और तेज़ी से भाग सकता हूँ और उड़ सकता हूँ। और जल्दी चलते हैं उस बिल्डिंग के साइड, और मेरे को वहाँ लग रहा है वहाँ पे विलन होगा, क्योंकि बहुत देर से वहाँ पे रेड रेड है, शायद यहाँ पे नहीं है, शायद बिल्डिंग पे गिरा है। नहीं गाइस शायद, हाँ ये नीचे है। तो वो देखो गाइस, मेरे को नीचे क्या दिख रहा है, ये अभी भी किसी बंदे को परेशान कर रहा है और वो भाग गए, पुलिस वाले को भी परेशान कर रहा था, मैं कह रहा था। और ये क्या, ये मेरे पे हमला करने लगा है, मैं तो इसे पागल बना दूंगा गोल गोल घूम घूम के। चलो गाइस जल्दी से कुछ करते हैं। और ये क्या, ये तो बॉम्ब भी फेंकता है भाई, मैं तो ले रहा हूँ गन, और इसे मैं छोड़ने वाला नहीं हूँ वो सवार, अब तो मैं इसे छोड़ूंगा नहीं, सीधे नहीं गोलियों से उड़ाने वाला हूँ, अब तो मेरी दिमाग ख़राब हो चुका है। चलो गाइस चलो इन्हें मारते हैं, वो भी जल्दी से। ये ले 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 ले, तेरी ऐसी की तैसी, इसे गाइस हेड पे हेड में दूंगा। और ये क्या, इसके दो गैंग के बंदे भी आ गए, अब गाइस मुझे इनके गैंग के बंदों को भी मारना होगा। जल्दी से चलो मारते हैं, मैंने आधे बंदे तो ख़त्म कर ही दिए और कुछ बाकी है बस, अब इन्हें भी मैं मार ही दूंगा जल्दी से ही।
और ये लो आर्मर भी मैंने ले ही लिया है। अब तो ये गए, अब ये कुछ तो बम से फटेंगे और कुछ बच जाएंगे। दो बच्चे इसे उतर के मार देता हूँ मैं, और एक गया और ये भी अब जाने वाला है। ये बहुत बोल रहा है ज़्यादा फालतू। अब तो अकेला बस ये विलन बचा है, इस विलन को भी हम मारते हैं गाइस और हम जीत जाएंगे और यहाँ का बन जाएंगे एक नए गैंगस्टर। और ये क्या लियाओ, इसे मार दिया हमने। और चलो जल्दी से पैसे वैसे ले लेते हैं। और ये क्या, तो गाइस विलन मैं वो कह रहा है कि तू इस बार तेरी टाइम थी, अगली बार मेरी आएगी, मैं फिर से आऊँगा और फिर से तेरे को मारूंगा। तो कोई बात नहीं गाइस, अगली बार फिर से इसे मारेंगे और ये कुत्तों की मौत मारेंगे अगली बार तो हम। तो चलो गाइस, अभी आज के वीडियो आपको कैसे लगी आप कमेंट बॉक्स में भी करो, और वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब भी कर दो, क्योंकि वीडियो बनाने में बहुत ही मेहनत लगती है। और आज के वीडियो में इतना ही। और ये क्या बोली कौन है, ये हाँ यही बोल एक बंदा था वो भाग गया था। और आज के वीडियो में इतना ही, मिलते हैं नई वीडियो में नई टॉपिक के साथ। बाय बाय और टाटा।